आज हरियाणा में कई जगह पर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। हांसी नगर परिषद की बात करें या फतेहाबाद की भी, सिरसा की ऐसी कुछ सूचनाएं थी कि वहां पर भी सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। हांसी की अगर बात करें तो नगर परिषद कार्यालय में रेड पड़ी है और इसके साथ साथ बरवाला में आज नगर पालिका कार्यालय जो है वहाँ पर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। अभी मैं मौजूद हूँ नगर पालिका कार्यालय के बिल्कुल बाहर और यहाँ पर आज जो रेड पड़ी है इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो भी अधिकारी यहाँ पर रेड करने के लिए आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिकॉर्ड जो है उन्होंने जांचने की कोशिश की है और आज की इस कार्रवाई में क्या कुछ त्रुटियाँ जो है वो पाई गई है, किस प्रकार का एक्शन जो है वो इस पर लिया जाएगा। बात करने की कोशिश करेंगे नगर पालिका के चेयरमैन से भी, नगर पालिका के सेक्रेटरी से भी और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो रेड थी इस रेड में क्या कुछ मिला है और किस प्रकार से ये रेड जो है क्या वो सूचना के आधार पर थी या रूटीन जो होता है उसके आधार पर ये रेड थी। बताएं जी, आज नगर पालिका में सीएम साहब की रेड पड़ी है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, आज सीएम फ्लाइंग की टीम थी और जिसमें मैं बतौर डिप्टी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार बरवाड़ा उखलाना यहाँ पे मौजूद था। तो इसमें क्या है कि जो भी औचक निरीक्षण किया गया नगर पालिका बरवाड़ा के कार्यालय का, और उसमें कुछ कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए, उनकी रिपोर्ट बनाई गई और उसके अलावा भी जो रिकॉर्ड का जो भी निरीक्षण किया गया उसकी रिपोर्ट बना दी गई। ये सर स्वाभाविक या फिर कोई सूचना या ये तो किसी गुप्त सूचना के आधार पर की जाती है औचक निरीक्षण जो भी। कितने समय तक हम मेरे ख्याल से 10 बजे पहुंच गए थे यहाँ सुबह, और अभी टाइम आप देख लो। सर आज की बात करें तो आज जैसे सरसा में भी सीएम फ्लाइंग की रेड लगी हुई है, हमारे पास अभी खबरें आ रही हैं अन्य शहरों में भी, सभी जगह नगर निगम और नगर पालिका पर ही रेड लग रही है, आखिर क्या वजह? नहीं, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमें तो बस बरवाड़ा के बारे में ही जानकारी। जी थैंक यू। सर आज जो ये रेड पड़ी है इसमें कुछ त्रुटियां वगैरह मिली है डॉक्यूमेंटली अगर बात की जाए तो? नहीं, देखिए रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है, उसके अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो उसके लिए हमने ऊपर भेज दी है रिपोर्ट। इससे बारे इसके अलावा तो हमारे पास और कोई सूचना नहीं आपके लिए शेयर करनी है। सर पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो एक लाइट घोटाला हुआ था, बड़े मामला था वो, उसमें कुछ अधिकारियों को भी पेंडिंग वगैरह किया गया था, उसको लेकर के भी कुछ जानकारी जो है वो बताई गई? नहीं नहीं, ये कोई और विषय पे थी और जिसकी रिपोर्ट बना दी गई। रमेश जी, आज नगर पालिका में सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और उसमें किस प्रकार की रेड हो रही है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने अपने कब्जे में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक सोच है भी किसी भी तरह से कहीं भी भ्रष्टाचार न पनपे, इसको लेकर समय समय पर रेड चलती रहती हैं। आज की जो कार्रवाई है नगर परिषद हांसी में भी चली है और बरवाड़ा भी है और अन्य भी, सिरसा की भी हम देख रहे थे अभी न्यूज़ पे, वहाँ भी आई हुई है, तो फतेहाबाद भी, सिरसा भी, तो हर जगह ये रूटीन की होती है कार्रवाई। उसके अंदर कोई दोषी पाया जाएगा तो जैसे भी प्रावधान है, अगर किसी ने गलत कर रखा है तो वो भुगतेगा। कुछ कर्मचारी जो है वो गैर हाजिर मिले हैं, उनको लेकर के भी? देखिए, आज HRA था तो हमारा एक लोन मेला लगा हुआ है, हरियाणा सरकार की स्कीम है तो उसके तहत नहर कोठी है, वहाँ मेला लगा है, तो वहाँ कुछ कर्मचारी वहाँ गए हुए हैं, तो पीछे से जब ये रेड डली है तो वो वहाँ पे काम कर रहे थे, मेले के अंदर हैं, उनकी हाजिरी कोई नहीं होंगे तो वो अभी हाजिरी जैसे सेक्रेटरी साहब चले गए उनकी नॉलेज में होगा, मुझे पता नहीं। रिकॉर्ड की बात करें तो किस प्रकार से रिकॉर्ड आपसे मांगा गया था, रिकॉर्ड आपसे लेकर के भी? देखिए, रिकॉर्ड का काम हमारे अधिकारियों का होता है, वो अधिकारी ही जांच के अंदर शामिल थे, हमें इस विषय पर कभी जांच के अंदर शामिल नहीं किया गया, तो अधिकारियों जैसे हमारे पास सूचना है वो हाउस टैक्स ब्रांच को लेकर और एक दो अन्य हाजिरियाँ भी थी और भी कुछ विषयों पर लेकर उन्होंने पूछताछ करी। शहर में चर्चा है कुछ ऐसे लोग जो ये शहर में अफवाहें फैला रहे हैं कि
उन्होंने इस रेड को लगवाया और काफी घोटाले नगर पालिका में थे, आज काबू आए हैं? देखिए वो तो एक रूटीन में पता क्या सोचते हैं, अपने आप को कैमरे के सामने फोकस करना, आम जनता के सामने कोई भी वही बात है बहकाना आसान हो जाता है ना, समझाना मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को प्रपोज करना चाहते हैं ऐसे लोग समय समय पर, और रूटीन का ही आप उनसे पूछिए भी, हाँसी भी आपने कराई है क्या कार्रवाई? अब फतेहाबाद हो रही है वो भी उन्होंने कराई है, सिरसा भी उन्होंने कराई है, तो फिर तो कमाल की बात है। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कहें, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग कुछ नहीं है, डम्मी लोग होते हैं, इस प्रकार के पाए फैलाते हैं। नारायण जी, ये आज की जो रेट, ये किसी सूचना के आधार पर बताई गई, कोई सूचना थी सीएम फ्लाइन को उसी के आधार पर की गई है, आपको क्या लगता है कि कोई राजनीतिक बंदा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या फिर कोई वैसे ही आम जन ने ये? नहीं, ऐसा कोई सूचना के आधार पर कोई ये रेट नहीं थी, ये आल हरियाणा के अंदर ही चली हुई है। आज जैसे सिरसा में भी रेड थी, अपना सिकंदर भी रेड थी, और अपने क्या नाम फतेहाबाद के अंदर भी रेड थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सूचना आधार पर कोई रेड नहीं है, ऐसी हमारे तो ऐसी कोई नॉलेज में नहीं है बातें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो जांच वाले बताएंगे।